तो हम लोग कर रहे थे एस्क्रीशन, देखो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जिंदगी साइकिल की साइकिल चलाने जैसी है। जिंदगी कैसी है? साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना पड़ेगा, मतलब अगर साइकिल रोकी तो गिर जाएगी। मतलब जिंदगी में बैलेंस बनाना है तो लाइफ को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, राइट। 4 लाख वाली है, हाँ बीएमडब्ल्यू वाली। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एस्क्रीशन यानी उत्सर्जन, ब्लड को छान करके यूरिन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन। हमारे ब्लड में कचरा है, कहां से आया बताया था आपको, सेल ने प्रोड्यूस किया था, सेल ने कचरे को प्रोड्यूस किया, इसी कचरे को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्क्रीशन। इसी कचरे को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एस्क्रीशन, समझ में आई बात। और जब हम इस कचरे को निकालेंगे तो ये किस फॉर्म में निकलेगा? यूरिन। ये किस फॉर्म में निकलेगा? यूरिन। तो यूरिन के फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। कचरा किस फॉर्म में निकलता है? यूरिन के फॉर्म में। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्क्रीशन, समझ में आई बात। हमने आपको बताया था कुछ एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, बताओ। ये ग्रीन ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड जो होती है, नहीं सॉरी, ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल किसमें पाई जाती थी? प्लेटी हेलमेंथीज में, याद आया। कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या था? मालपिगियन टिब्यूल्स, मालपिगियन टिब्यूल्स। इसके अलावा प्रॉन्स में क्या पाया गया था? एंटीनरी ग्लैंड। प्रॉन्स में क्या होता है? एंटीनरी ग्लैंड। एंटीना पे ग्लैंड होती है, वही उत्सर्जन में मदद करती है, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया अर्थवर्म में पाया जाता था नेफ्रिडिया, अर्थवर्म में पाया जाता है नेफ्रिडिया, ठीक है। फिर हमने बताया हमारे पास 2 किडनी है और 2 जो है यूरिटर यानी मूत्र वाहिनी, अच्छा 1 है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि इसको बोलते हैं मूत्राशय, और 1 होता है यूरिथ्रा यानी कि ये है मूत्र नली, ठीक है ना। इतनी इतनी टाइप की चीजें ये हमारे अंदर पाई जाती है। फिर हमने किडनी के बारे में थोड़ा सा सीखा था, किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और किडनी के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। अच्छा ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है ये कॉर्टेक्स में दिख रहा है कि मेडुला में? कॉर्टेक्स में कि मेडुला में, ठीक है ना। फिर उसके बाद बताया गया इसमें कुछ लाइनिंग है, ये लाइनिंग बताया था कुछ और नहीं है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये लाइनिंग कुछ और नहीं है, नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, है ना। फिर ये पिरामिड खुलते हैं, देखो छोटी छोटी ट्यूब में, छोटी छोटी ट्यूब को बोलते हैं माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस। सिंगलर फॉर्म में कैलिक्स बोलते हैं। अच्छा फिर बड़ी बड़ी ट्यूब में खुल जाता है, बड़ी बड़ी ट्यूब को बोलते हैं मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस। उसके बाद आप देखो इस फनल शेप स्ट्रक्चर में खुलता है जिसका नाम है ये रीनल पेल्विस। फिर लास्ट में खुलता है यूरिटर में, यूरिटर में। हमारी किडनी के अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसी 10 लाख संरचनाएं हमारी किडनी में पाई जाती है, बताओ हर एक किडनी में ऐसी कितनी संरचनाएं होती हैं? 10 लाख यानी 1 मिलियन। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा मेडुला में। आप देखो कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में है, इसको बोला था बोमेन कैप्सूल। ये देखो ये जो प्याले नुमा भाग है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल जो होता है वो पहला भाग है, फिर दूसरा भाग है ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये यू शेप का स्ट्रक्चर है, इसको यू शेप ना बोल करके बोलना चाहिए था हेयर पिन लाइक, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम लूप ऑफ हेनले। फिर आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल दूरस्थ कुंडलित नलिका, और फिर ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, कुछ मेडुला में होता है। लेकिन आप देखिए बोमेन कैप्सूल कहां पे है, पीसीटी कहां पे है, डीसीटी कहां पे है, राइट। लेकिन लूप ऑफ हेनले कहां पे है? मेडुला। कुछ हिस्सा आउटर मेडुला में, कुछ इनर मेडुला में,
समझ में आई बात? क्लियर? ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है, ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है। तो आज थोड़ा डिटेल में चलते हैं, नेफ्रॉन के अंदर के टिश्यू को चेक करेंगे और नेफ्रॉन कितने प्रकार की होती है वो भी चेक करेंगे। नेफ्रॉन पता है दो प्रकार की होती है और इसके अंदर का टिश्यू अभी मैं पढ़ाऊंगा और ये पाइपलाइंस भी पढ़ाऊंगा। ये कौन सी पाइपलाइन आई है? दो प्रकार की नेफ्रॉन्स होती है, कॉर्टेक्स वाली छोटी होती है और मेडुला वाली बड़ी होती है। कॉर्टेक्स वाली छोटी दिख रही है, मेडुला वाली बड़ी होती है और दोनों में एक ही अंतर है बस, क्या? इसका लूप ऑफ एनले बस छोटा और इसका लूप ऑफ एनले काफी बड़ा, बस एक ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? कॉर्टेक्स वाले छोटे और मेडुला वाले बड़े। तो चलिए यहीं से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो किडनी की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? किडनी की सबसे छोटी इकाई का नाम था नेफ्रॉन। इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। किडनी में कितने भाग होते हैं? दो, कॉर्टेक्स और मेडुला। इन्हीं में पाए जाते हैं नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक किडनी में कितने पाए जाते हैं? एक किडनी में पाए जाते हैं लगभग 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन पाए जाते हैं। तो इसका कुछ हिस्सा अभी भी बताया कॉर्टेक्स में होता है और कुछ मेडुला में, ठीक है। देखो दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, पहले टिश्यू बता दें आपको, नेफ्रॉन के टिश्यू। देखो नेफ्रॉन का टिश्यू अगर हम बताएं, टिश्यू यानी ऊतक, नेफ्रॉन का ये हिस्सा, ये कहलाता था बोमेन कैप्सूल, याद आया कुछ? फिर ये हिस्सा क्या कहलाता है? नीचे जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं पीसीटी। फिर ये सीधा हो जाएगा और फिर ये पतला हो जाएगा, इस तरीके का कुछ अपना नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कहां प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में। कौन कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है? देखो इतना, इसके ऊपर वाला सारा हिस्सा कहां होता है? ये होता है कॉर्टेक्स में, कल बताया था आपको। ये हिस्सा जो होता है कहां पे होता है? मेडुला में, ठीक है। अब देख के बताओ कौन कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स में? बोमेन कैप्सूल और पीसीटी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ एनले, सबने सुना होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। और इसको बोलते हैं डीसीटी, डीसीटी भी कॉर्टेक्स में है। और कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है और कुछ हिस्सा मेडुला में। और शब्द यूरिन कहां पे इस्तेमाल करते हैं? शब्द यूरिन इस्तेमाल कहां पे करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में ही यूरिन शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कल बताया था यूरिन, यूरिन प्लाज्मा की तुलना में गाढ़ा होता है कि पतला, हाइपरटॉनिक की हाइपोटॉनिक, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई,
अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएगा, किस जगह पे कौन सा टिश्यू होता है, किस जगह पे कौन सा टिश्यू होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, कौन कौन सा, बोवेन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, इन जगहों पे होता है पतला वाला टिश्यू, सबसे पतला, और दुनिया का सबसे पतला टिश्यू एनिमल टिश्यू है कौन सा, स्क्वैमस एपिथिलियम, थिन स्क्वैमस एपिथिलियम, थिन स्क्वैमस एपिथिलियम, हिंदी में सुनेंगे तो सल्की उपकला, सुना होगा सल्की उपकला, पतला वाला उपकला, ठीक है ना, सल्की उपकला। तो मैं यहां पे पहले बना देता हूं, यहां लिख देता हूं, इसको मैं इधर ले लेता हूं, कॉर्टेक्स इधर लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, देखो जहां स्टार बनाया है वहां ऐसा एपिथिलियम होगा सबसे पतला, और सबसे पतले वाले टिश्यू का नाम है, हिंदी में बता रहा हूं, सल्की उपकला, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वैमस एपिथिलियम, इससे पहले भी आपने पढ़ा है स्क्वैमस एपिथिलियम, स्क्वैमस एपिथिलियम, सल्की उपकला, और ये हमेशा पतला होता है, हमेशा याद रखो ये पतला होता है, इससे पतला कोई टिश्यू एनिमल टिश्यू नहीं है, इससे पतला कोई एनिमल टिश्यू नहीं है, तो यहां पर चीजों को छानना है इसीलिए ये पतली होती है, और यहां से चीजों को निकलना है इसलिए ये पतली होती है, ऐसा नहीं कि चीजें अन्य जगह से नहीं निकलेगी, अन्य जगह से भी निकलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे जरूरत है और यहां पे जरूरत है, इसीलिए पतला वाला एपिथेलियम में देख पा रहे हो काफी पतली लेयर है, सिंगल लेयर की मल्टी लेयर, एक स्तरीय है, एक स्तर का बना हुआ है, नाम है सल्की उपकला, सुना भी होगा आप लोगों ने, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ये पाया जाता है बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले, जबकि बाकी जगह पे जहां स्टार नहीं लगा वहां पे पाया जाता है कुछ ऐसा टिश्यू, देखो बाकी जगह पे, बाकी जगह पर बाकी जगहों पर कैसा टिश्यू पाया जाएगा, बाकी जगह पर पाया जाएगा सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम, सिंगल क्यूबाइडल एपिथीलियम यानी घनाकार उपकला, सुना है, घनाकार उपकला वो कैसा होता है, वो भी सिंगल लेयर होता है, लेकिन वहां सेल क्यूब लाइक दिखाई पड़ती है, क्यूब की तरह सेल देख पा रहे हो, क्यूब जैसी है, पर ये उनका न्यूक्लियस है, तो ये सेल क्यूब लाइक है, ठीक है ना। उसके बाद एक विशेष जगह होती है, वहां पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इस जगह पर, इस जगह पर एक स्पेशल टिश्यू होता है, इस जगह पर स्पेशल टिश्यू होता है, मैं यहां पे हाईलाइट करके लिख रहा हूं, पीसीटी में स्पेशल टिश्यू होता है, पीसीटी में स्पेशल टिश्यू होता है, इसीलिए पीसीटी को उधर भी हाईलाइट कर दिया, इधर भी, पीसीटी में क्या होता है, होता तो ऐसे ही है सेम, होता तो क्यूबाइडल ही है, तो फिर सर फर्क क्या है, फर्क है क्या, फर्क है इसके ऊपर बहुत सारे ब्रश पाए जाएंगे, ब्रश, ठीक है ना, माइक्रोविलाई पाई जाएगी, माइक्रोविलाई पाई जाएगी, माइक्रोविलाई, इसके ऊपर पाई जाएगी बहुत सारी माइक्रोविलाई, ये है माइक्रोविलाई, ये सारी माइक्रोविलाई है, इसलिए इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश जैसा दिख रहा है ना, बॉर्डर पे ब्रश है ना, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथीलियम,
तो आप देखो क्या क्या देखा आपने, बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले में कैसा एपिथीलियम होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है ना। बाकी कहीं भी पूछ लिया जाए, पूछा जाए आपसे इस जगह पे बताओ क्यूबॉइडल, यहाँ क्यूबॉइडल, यहाँ क्यूबॉइडल, वो भी एक बात और बता दें, इसमें भी थिन वाले पार्ट में होता है, यहाँ वाले में, थिक वाले में क्यूबॉइडल ही होता है, केवल थिन वाले पार्ट में, यहाँ भी थिन वाले पार्ट में। देखो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, लूप ऑफ हेनले में भी कितने भाग हो सकते हैं, दो, एक कैसा भाग है थिक वाला और एक कैसा है थिन वाला, तो जो थिन वाला भाग है ना वहां पाया जाएगा, थिक वाले में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, थिन वाले भाग में पाया जाएगा कि थिक वाले भाग में पाया जाएगा, थिन वाले में, थिक वाले में क्या होगा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जल्दी से बता दो यहां क्या होगा, हाँ यहां क्या होगा, सही है ना, तो मैं यहां ब्रश बना भी देता हूं, ये देखो ब्रश जैसा निकला हुआ है, सही है ना, ये ब्रश जैसा निकला हुआ है, तो आपको जब बनाओगे फिगर तो याद रहेगा, ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। अच्छा यहां बताओ क्यूबॉइडल, यहां बताइए, यहां बताइए, हाँ यहां बताइए, यहां बताइए, अब देखो सब हो गया क्लियर, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, नोट करिए जल्दी से। और ये भी दिख रहा है कौन सा भाग कॉर्टेक्स में, कौन कौन सा मेडुला में, और सारे टिश्यू भी क्लियर हो गए एक साथ। दो मिनट का केवल है टाइम, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में और कुछ हिस्सा कहाँ होता है मेडुला में, तो कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और कुछ मेडुला में होता है, क्योंकि वो एक लंबी सी स्ट्रेट ट्यूब होती है। क्या कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का पार्ट है, नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, कल बताया था, क्योंकि वो एक से ज्यादा डीसीटी कलेक्ट करता है, और अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भी, कल नोट कराया था कि नहीं कराया था, जहां जहां स्टार बनाए हैं वहां पे पाया जाएगा स्क्वैमस एपिथीलियम, बाकी जगहों पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, लेकिन पीसीटी में स्पेशल टाइप का क्यूबॉइडल एपिथीलियम जिसके ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाएगी। अच्छा माइक्रोविलाई पाए जाने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से यहां पर एक काम होगा आगे चल के, अभी बताएंगे, यहां का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ गया है, दिख रहा है सरफेस एरिया इंक्रीज, आप खुद बता दो, एक होता है गमछा, एक होता है टावल, बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बताओ पानी कौन ज्यादा सोखता है, टावल सोखती है ना,
क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बहुत सारे रोए निकले हैं उसमें से, वो रोए पानी को सोख लेते हैं। अच्छा, गमछा, गमछे से बॉडी को पोछो गीली हो जाएगी, लेकिन टॉवल से पोछो तो ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चर है केवल, पानी ऐसे निचोड़ोगे भी तो निकलेगा नहीं, गमछे में निचोड़ोगे निकल जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना। इसी तरह से टॉवल के जैसे उभार होते हैं, उसपे भी बोलते हैं माइक्रोविली, और सरफेस एरिया काफी इनहेंस कर देता है, इनहेंस मतलब बढ़ा देना, शुद्ध भाषा में बढ़ जाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, बताइए सबसे स्पेशल टाइप का एपिथेलियम कहां पाया गया पीसीटी में, क्यों पाया गया, इसका रीजन हम आगे देखेंगे। हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम, कितने नेफ्रॉन थे, 10 लाख या 1 मिलियन, या तो 1 मिलियन बोलो या 10 लाख बोलो। नेफ्रॉन्स के टिश्यू कितने प्रकार के थे, 3। अच्छा, सिंगल चॉइस हो तो क्या करोगे, सिंगल हो तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जगह तो यही पाया जा रहा है ना। बताओ सबसे ज्यादा जगहों पर कौन से टिश्यू पाया जा रहा है, क्यूबॉइडल। अगर हमारे पास सिंगल चॉइस है तो हम सिर्फ क्यूबॉइडल एपिथेलियम को टिक कर सकते हैं, और अगर ऑल ऑफ दीज है तब तो बहुत ही अच्छा है भाई। ऑल ऑफ दीज है तो पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑल, तो आंसर क्या ऑल। लेकिन अब मैं बोल दूं उसी क्वेश्चन में मेनली लगा दूं और ऑल भी हो तो क्या करोगे, तो क्यूबॉइडल लगाओगे, सही है ना। तो बढ़े आगे फिर, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, टिश्यू वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित में से, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रेजेंट इन अवर नेफ्रॉन, हमारे नेफ्रॉन्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर देखो, आंसर है इसका, पहला ऑप्शन है हो जाएगा, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए विच ऑफ फॉलोइंग मेन टिश्यू प्रेजेंट इन अवर नेफ्रॉन, अगर
इफ इन क्वेश्चन मेन टिश्यू पूछा जाए यदि क्वेश्चन में मेन टिश्यू पूछा जाए तो आंसर कौन सा होगा सेकंड आंसर सेकंड होगा बोलो क्लियर मैंने ऐसे कुछ मेन मेन तो बोला नहीं था तो आंसर आ जाएगा ऑल लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे बोल देता विच ऑफ फॉलोइंग मेन टिश्यू प्रेजेंट इन अवर नेफ्रॉन तो आंसर हो जाता क्यूबाइडल एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ लेता हूं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बताओ पहला स्टेटमेंट बताओ कब सही है कि गलत पहला गलत है क्यों गलत है पहला गलत है क्योंकि केवल एक टाइप का बोल रहा है जबकि दो टाइप के होते हैं कॉर्टिकल और मेडुलरी कॉर्टिकल और मेडुलरी यहां पर एक ही टाइप का दिया है गलत हो गया अच्छा और कह रहा है लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एज वेल एज मेडुला केवल मेडुला ओनली में होता है कॉर्टेक्स में नहीं होता तो दोनों स्टेटमेंट गलत है दोनों स्टेटमेंट गलत है तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत कैसे हैं क्योंकि देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है वन की जगह टू होना चाहिए था और नीचे कॉर्टेक्स नहीं होना चाहिए था केवल मेडुला होना चाहिए था अभी आपने बनाया है फिगर अभी आपने फिगर बनाया है हाँ अगर मैं ये लिख देता कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला सही हो जाता वो सही होता लेकिन लूप ऑफ हेनले केवल और केवल मेडुला में होता है इट नेवर बी फाउंड इन कॉर्टेक्स वो कॉर्टेक्स में नहीं होता है तो यहां तक क्लियर हो गया कुछ कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं फिर मतलब ये मैंने तीन क्वेश्चन करा दिए पूरी टॉपिक्स पे जो आपने पढ़े अभी अब नेफ्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं जैसा अभी हमने पढ़ा बताया अब उस पर नोट्स बना लेते हैं नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं इसीलिए उस पर क्वेश्चन करा दिया अभी पहले ही करा दिया और लूप ऑफ हेनले केवल और केवल कहां होता है अच्छा अगर इस स्टेटमेंट को सही करना चाहे तो हम यहां पे कलेक्टिंग डक्ट लिख देंगे सही हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन बोथ कॉर्टेक्स एज वेल एज मेडुला और कलेक्टिंग डक्ट इज ए स्ट्रेट ट्यूब की क्वाइल ट्यूब हाँ इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं लिख दूं कलेक्टिंग डक्ट इज ए क्वाइल ट्यूब तो गलत क्वाइल ट्यूब होती थी पीसीटी और टीसीटी याद है ना अब आगे बढ़ते हैं देखो नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं अभी पढ़ा दो टाइप के होते हैं कुछ होते हैं कॉर्टिकल और कुछ होते हैं मेडुलरी कुछ होते हैं कॉर्टिकल और कुछ होते हैं मेडुलरी सीधा है इस तरफ कॉर्टेक्स इस तरफ मेडुला
मेडुला के लिए जक्स्टा मेडुलरी भी कह सकते हैं। जक्स्टा का मतलब होता है काफी फैला हुआ, काफी फैला हुआ। तो कॉर्टेक्स और जक्स्टा मेडुलरी, वैसे इस हिस्से को पहले केवल मेडुला बोलो, बाद में नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी बोलेंगे। अब देखो नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है कॉर्टिकल। अब देखो क्या फर्क है दोनों में, अब ऐसे मत बनाओ, अपना टाइम बचाओ, टाइम ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, याद है, और ऐसे, बस टाइम बच गया और ये ओपन हो गया। बोलो, एक तो ऐसा नेफ्रॉन है, ये इसका जो ये हिस्सा है लूप ऑफ हेनले, ये कॉर्टेक्स के काफी करीब है, या फिर बोले मेडुला में काफी गहराई तक नहीं है, ठीक है ना। जरा ये वाला देखना, अब बताओ ये ज्यादा गहराई तक है, ये वाला है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये वाला कहलाता है जक्स्टा। जक्स्टा मतलब काफी गहराई तक फैला हुआ है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, दो, पहला नेफ्रॉन कॉर्टिकल, दूसरा कौन सा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा इनका इनका क्या होता है, इनका लूप ऑफ हेनले इज टू स्मॉल, बोलो इनका लूप ऑफ हेनले काफी छोटा होता है, सीधे लिखते हैं काफी छोटा, इनका लूप ऑफ हेनले काफी छोटा होता है, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। यहां पे देखते हैं इनका जो लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है, यानी टू लार्ज, काफी बड़ा होता है, सीधे लिखते हैं काफी बड़ा होता है, पर एनसीईआरटी ने बोला है ये काफी गहराई में प्रेजेंट होता है, किसकी, मेडुला की, यानी डीप इन, डीप इन, डीप का मतलब ऐसे तो डूबना होता है, यहां तो यहां का मतलब है उपस्थित, एनसीईआरटी की लाइन है, डीप इन डीप पार्ट ऑफ, किसके डीप पार्ट में, डीप पार्ट ऑफ मेडुला, ये मेडुला की काफी गहराई में प्रेजेंट होता है। डिप का मतलब यहां पे डूबना नहीं है, डिप का मतलब यहां उपस्थित होना, ये काफी गहराई में उपस्थित होता है, दिख रहा है आपको साथ, ठीक है ना। अब एक चीज और होती है जो आगे अभी क्लियर होगा आपको, यहां की यहां पर एक वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो इसको ऐसे चारों तरफ लपेटे रखती है, और ये आई कहां से, ये मैं आपको भी हिंट दूंगा, देखो यहां से ब्लड वेसल आती है, यहां जाल बनाती है, बनाती है नहीं बनाती, और बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं, मान लिए उधर से आ रही है, फिर इसने जाल बनाया, और ये जाल बना के फिर ये ऐसे लिपट जाती है चारों तरफ, और ये लिपट के ये आई, ये स्थिति है। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पर कोई यू शेप ट्यूब बनी क्या, यहां पे जो लाल वाली ट्यूब है ये यू शेप की दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, तो यहां पर वासा रेक्टा नहीं बनता, अगर यू शेप की होती तो वासा रेक्टा बोलते, पर यहां यू शेप की नहीं है, यानी यहां वासा रेक्टा, वासा रेक्टा किस शेप की होती है, यू शेप्ड की होती है, वो यहां पे वासा रेक्टा या तो एब्सेंट और लेस हाईली रिड्यूस्ड, या तो काफी रिड्यूस्ड होगी, काफी कम विकसित होगी, हाईली रिड्यूस्ड यानी काफी कम विकसित होगी। यहां देखेंगे यहां पे जो, अब मैं अब ऐसे नहीं बनाऊंगा, अब तो डायरेक्ट बना सकता हूं, यहां पे देखो अगर आई ये मान लो इधर से आई भी, चलो बना देते हैं पूरा, ये लिपटी इसके चारों तरफ, लिपटने के बाद अब ये देखो कैसी हो गई इसके, है ना, लिपटने के बाद हो गई ऐसी, फिर से देखो ध्यान से देखना, आई और यहां से निकली, निकलने के बाद ऐसे लिपटी, लिपटते लिपटते ये कैसी हो गई, यू शेप की हो गई। अब इसे वासा रेक्टा बोलेंगे, यानी इनमें क्या होता है, इनमें वासा रेक्टा काफी विकसित होता है ना, इनमें वासा रेक्टा काफी विकसित होता है, तो इनका जो वासा रेक्टा होता है वो काफी विकसित होता है, लिख दूं, वासा रेक्टा किस शेप का होता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, वासा रेक्टा किस शेप का होता है, यू शेप, इनमें क्या होता है, काफी डेवलप्ड होता है, उसमें लिखा है काफी हाईली रिड्यूस होता है, यानी कम विकसित होता है, या तो अनुपस्थित होता है, देखो या तो एब्सेंट, और होगा भी तो क्या लिख देता हूं, काफी कम विकसित,
हाईली रिड्यूस का मतलब होता है काफी कम विकसित। और अभी से क्लियर कर लो, ये वाटर कंजर्वेशन जो जिसका लूपा फैनले लंबा होगा और जहां वासा रखता होगा वो पानी को कंजर्व करेगा। बताओ क्या यहाँ पे लूपा फैनले लंबा है? अच्छा, क्या यहाँ वासा रखता बन रहा है? तो ये क्या पानी को कंजर्व करेगा? तो नो कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नो कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और यहां पे बताओ कंजर्व वाटर। कंजर्व वाटर यानी कंजर्व का मतलब हिंदी में जानना है तो संचित। ये पानी को संचित करेगा जबकि वो पानी को संचित नहीं करेगा। और ये बात आगे फिर आएगी। तो नेफ्रॉन के दो प्रकार आपने पढ़ लिए। कभी कभी, वैसे तो नहीं लेकिन कभी कभी संख्या पूछी जा सकती है। ये होता है 85%। लगभग टोटल नेफ्रॉन का 85% कौन सा होता है और टोटल नेफ्रॉन का 15% कौन सा होता है? बोलो। देखो, जो चीज छोटी होगी वो संख्या में ज्यादा होगी और जो चीज बड़ी होगी वो संख्या में। अब खुद ही बता दो 85% कौन है? छोटा वाला। अच्छा, 15% कौन है? किसका लूप ऑफ फैनले छोटा, किसका लूप ऑफ फैनले लंबा? कौन पानी को कंजर्व नहीं कर पा रहा है, कौन पानी को कंजर्व कर पा रहा है, बताइए। लूप ऑफ हेनले इसमें स्ट्रेट होगा, आपने गलत बनाया है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन संख्या में ज्यादा होते हैं कि मेडुलरी? कॉर्टिकल। छोटे कौन है? लूप ऑफ हेनले किसका छोटा है? किसमें वासा रखता है? या तो नहीं विकसित है और है भी तो काफी कम विकसित है। हाँ, क्योंकि छोटे वाले में। बताओ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले। जबकि यू शेप स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आंसर वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अच्छा, लाल वाले में खून बह रहा है और ये जो पीला वाला है ना इसमें खून छन के आ रहा है, समझ रहे हो ना? पीले वाले में खून छन के आ रहा है और खून बह कहाँ रहा है? रेड वाले कैपिलरी में। ये सब कैपिलरी है, कैपिलरी यानी केशिकाएं, सुना है? रक्त केशिका, ये सब रक्त केशिका। अभी बताएंगे और डिटेल में चल रहे हैं, अभी तो सिर्फ नेफ्रॉन के चक्कर में बताना पड़ गया है। दोनों में अंतर समझ आया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स छोटे दिख रहे हैं कि बड़े? हाँ, तो हमने लिखा है नहीं इसलिए, क्योंकि आपको दिख रहा है जो चीज वो क्या लिखाना। अच्छा, किसमें लूप ऑफ हेनले स्मॉल है? लूप ऑफ हेनले किसमें स्मॉल है?
इसमें लूप ऑफ हेनले काफी डीप, काफी बड़ा और डीप है नीचे की तरफ। वासा रेक्टा किसमें या तो एब्सेंट है या तो रिड्यूस है, किसमें और किसमें काफी विकसित है, जिसमें नहीं होगा या फिर काफी एब्सेंट होगा वो पानी को कंजर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जिनमें विकसित होगा वो पानी को कंजर्व कर लेगा। तो कौन से नेफ्रॉन्स पानी को कंजर्व करते हैं 15%, कौन से पानी को कंजर्व नहीं करते 85%। क्लियर हो गया? जब तुलना करके पढ़ेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। देखो हम एक एक पॉइंट पे तुलना कर रहे हैं, इसका ये उसका वो, इसका ये इसका वो। यानी देखा जाए तो कॉर्टिकल और मेडुलरी नेफ्रॉन में सिर्फ इतना अंतर है, कितना अंतर है, ये छोटे ये बड़े, इनका लूप ऑफ हेनले कम विकसित, इनका बहुत ज्यादा विकसित, इसमें वासा रेक्टा कम विकसित या एब्सेंट और इसमें काफी विकसित, और इसी कारण वो पानी को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं और ये पानी को कंजर्व कर पाएगा। अरे तो ऐसे क्या, ऐसे कर रहे जैसे तूफान आ गया, टाइमर लगा हुआ है, उतने टाइम में खत्म करना होता है आपको। फिनिश्ड, बढ़े आगे। चलिए आगे, देखिए इतनी बात पहले एनसीईआरटी से पढ़ ली जाए। देखो यही फिगर लगभग मैं आपको बता रहा था, अभी और डिटेल में बताऊंगा। देखो नेफ्रॉन का मालपिगियन कॉप्सल्स, मालपिगियन कॉप्सल्स किसे बोलते थे, इसे बोलते थे, रुको रुको, इसको बोलते हैं, एक बार याद दिला दें, इसको मिला के बोलते थे मालपिगियन कॉप्सल्स। ये देखो ये हिस्सा कहलाता है मालपिगियन कॉप्सल्स, यानी इसमें दो भाग हैं, कौन कौन सा है, एक बोबेन कैप्सूल और ये जाल, बोबेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको, ये और ये मिला के बोलते हैं क्या, मालपिगियन कॉप्सल्स। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मालपिगियन कॉप्सल्स प्लस पीसीटी, पीसीटी कहां गया, पीसीटी ये रहा, ये पीसीटी है ना ये वाला पार्ट, अभी आते आते बताया है। तो मालपिगियन कॉप्सल्स प्लस पीसीटी और डीसीटी ये सब कहां पे उपस्थित होता है, सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स में होता है ऑफ द किडनी, जबकि जबकि वेयर एस द लूप ऑफ हेनले डिप, डिप डिप वर्ड यूज किया था, डिप इन टू द मेडुला, डिप मतलब डूबना होता है, आप बोलोगे वहां उपस्थित हो रहा है, तो यहां पर उपस्थित होता है। अच्छा मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन मतलब 85%, मतलब कौन से वाले, कॉर्टिकल, समझ गए ना, एनसीईआरटी की बात को ध्यान से समझिए, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इन टू द मेडुला, यानी मेडुला में काफी कम गहराई तक होता है, यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात कर रहा है। कह रहा ज्यादातर नेफ्रॉन मतलब 85% में, 85% नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, लिखा भी अभी आपने, और कह रहा है
केवल और केवल बहुत थोड़ा सा मेडुला में होता है, थोड़ा सा हिस्सा, केवल थोड़ा सा मेडुला में होता है। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन सम ऑफ नेफ्रॉन्स, सम का मतलब 85 का सम क्या बचा, 15%। 15% नेफ्रॉन्स जो होता है उनका लूप ऑफ एनले बहुत ही लंबा होता है और रन्स डीप इनटू द मेडुला। क्या हमने डीप वर्ड यूज किया था, डिप वर्ड भी यूज किया था, मैंने कहा डिप्स इनटू डीप पार्ट ऑफ मेडुला, है ना, याद है ना, एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छूटेगी। दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज, नाम क्या दिया था, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आप मेडुलरी नेफ्रॉन भी कह सकते हैं पर जक्स्टा कहना ज्यादा उचित रहेगा। जक्स्टा मतलब होता है काफी फैला हुआ, काफी फैला हुआ, काफी बड़ा। फिर आगे बोला गया इफरेंट आर्ट्रियल। अच्छा इफरेंट आर्ट्रियल क्या होती है, कल बताया था आपको, फिर भी जो लोग नहीं थे उनको बता देता हूं। देखो जब भी कोई चीज एंटर करती है तो उसको बोलते हैं एफरेंट। कहीं कोई चीज आए तो, कहीं से कोई चीज जाए तो, अच्छा बताओ कोई चीज अगर आए तो एफरेंट। ए मतलब आना, ई मतलब चले जाना, तो बताओ एफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसी आर्ट्रियोल को बोलते हैं जो यहां आ रही है। बताओ ये आ रही है कि जा रही है, तो ये एफरेंट हुई और ये एफरेंट हुई। जो नेफ्रॉन में आती है उसका नाम एफरेंट और जो नेफ्रॉन से दूर चली जाती है उसे एफरेंट, और दोनों के बीच में एक जाल है, इस जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं जरा ऑर्डर बताइए, सबसे पहले एफरेंट के बाद ग्लोमेरुलस के बाद एफरेंट। अच्छा एफरेंट, अब ये एफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल इसके चारों तरफ लिपट गई, जब लिपट जाती है ना तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरी, मतलब चारों तरफ, किसके चारों तरफ लिपटी है, नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपटी है ना, तो इसका नाम पड़ा पेरी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है ना, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूबुलर मतलब नेफ्रॉन की ट्यूब के चारों तरफ। अच्छा कैपिलरी मतलब केशिकाओं का बना हुआ, नेटवर्क मतलब जाल, ये केशिकाओं का बना हुआ जाल है, नाम पड़ा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अभी बनवाएंगे, अभी तो हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। अब देखो यही जब यहां पे लिपट जाती है तो कुछ स्थानों पर ये यू शेप ट्यूब बना सकती है। उसी यू शेप ट्यूब को क्या कहा था, किसमें वासर रेक्टा कम विकसित या एब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, किसमें ज्यादा विकसित है। अब समझ गए ना, देखो क्या लिखा है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो निकली थी कहां से निकली, ग्लोमेरुलस से, उसने एक कैपिलरी का नेटवर्क बना दिया किसके चारों तरफ, रीनल ट्यूबुल के चारों तरफ। उसी को मैंने कहा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। कह रहा है कि ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस, यानी इसका थोड़ा सा भाग जब पैरेलल हो जाता है, किसके पैरेलल, लूप ऑफ एनले की पैरेलल हो जाता है। देखो किसमें पैरेलल हुआ था, इसमें पैरेलल नहीं हो पाया और इसमें पैरेलल हो गया एक दूसरे के, लूप ऑफ एनले की पैरेलल हो गया और किस शेप का दिखाई देने लगा, तब उसी को क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। तो देखो क्या लिखा, एक छोटा सा हिस्सा इसी नेटवर्क का जब पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल, लूप ऑफ एनले के, तब उसने बना दिया एक यू शेप का, क्या यू शेप का, वासा रेक्टा एब्सेंट या हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और उसके लिए कुछ नहीं बोला किसमें विकसित होगा, किसमें ज्यादा विकसित होगा बताइए, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। क्लियर हुआ, आइए हम आपको ब्लड सिस्टम और क्लियर करा दें, हेडिंग डालेंगे ब्लड सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की रक्त प्रणाली, नेफ्रॉन की रक्त प्रणाली कैसे काम करती है, देखो कल बताया था आपको, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सबको पता होगा इतना, क्योंकि सब लोग इतना पढ़ के आए हैं कि हमारे हार्ट के बाईं तरफ दाहिनी तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। बोलो सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, हमारे हार्ट के दाहिनी तरफ डीऑक्सीनेटेड यानी नीले कलर का ब्लड होता है। ठीक है, इस क्लास का हर बच्चा ये जानता है, नहीं जानता तो अभी मैंने बताया। और ये देखो ये वाला जो होता है बाई तरफ, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हर कोई जानता है ना,
इसको ये है आपका ये राइट पार्ट और ये है लेफ्ट पार्ट और ये तो दुनिया पहचानती क्या है, लिखने की जरूरत है नहीं, दिल है आपका। चलो तो ब्लड सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन में क्या, एक राइट पार्ट में हमको डीऑक्सीलेटेड ब्लड दिख रहा है और लेफ्ट पार्ट में क्या दिख रहा है। अच्छा, किसी भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई हार्ट द्वारा ही होती है और वहां से जो ब्लड कचरा वाला ब्लड है उसको वापस भी लाया जाता है। इस वाले ब्लड को, लाल वाले ब्लड को सप्लाई करना है ताकि इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए और नीला वाला ब्लड वापस लाना है ताकि कचरा वापस आ जाए। तो आप बताओ, किडनी को भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां से जो ब्लड सप्लाई निकली उसका नाम बता देते हैं आपको। यहां से जो ब्लड सप्लाई निकल रही है उसका नाम बता दें, बहुत मोटी होती है लेकिन हम ज्यादा मोटी नहीं बनाएंगे, उसका नाम है एरोटा, AORTA। आपने सुना है महाधमनी, ये महाधमनी होती है, बहुत मोटी होती है, समझो जितनी आपकी इतनी मोटी होती है, बहुत मोटी होती है, मोटी मोटी होती है, काफी मोटी नहीं होती, मतलब मोटी होती है, ठीक है ना। ये तो काफी पतली इस जगह पे है लेकिन वैसे काफी मोटी होती है उनकी तुलना में। तो ये एरोटा है, एरोटा जो होता है यहां से छोटी छोटी पतली पतली चीजें निकलती हैं। अब इधर भी सप्लाई करनी है, इधर भी सप्लाई करनी है, इधर भी करनी है, बोलो सही है ना, पूरी बॉडी को लाना है। तो पूरी बॉडी को लाना है तो कई जगहों पर कई चीजें निकलती रहती है, यहां से ये कई जगह जगह पे सप्लाई करती रहती है, कुछ इधर, ठीक है ना, कुछ इधर। तो मान लिया ये वाली किडनी को जा रही है तो उसका नाम पड़ जाएगा रीनल आर्टरी, है ना। यानी अब की बार बोलेंगे महाधमनी नहीं, केवल धमनी। अब फिर रीनल आर्टरी और पतली होती जाएगी, हमने इसको रीनल आर्टरी नाम बोल दिया। अब ये और पतली जब हो जाएगी तब इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। यही एफरेंट आर्टेरियोल किडनी में आती है, यही किडनी में आती है। याद करो किडनी का कौन सा भाग, कप शेप स्ट्रक्चर याद है, वोमेन कैप्सूल के अंदर यही आ रही थी। ये देखो पिछले फिगर को जरा टैली करो, ये देखो ये आ रही थी घूम के, ठीक है, ये वोमेन कैप्सूल, ये उसके अंदर आ गई, ये वोमेन कैप्सूल है, यही आ गया। तो बताओ वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या आता है, एफरेंट आर्टेरियोल, और फिर बना देता है एक जाल, ये बना देता है एक जाल, पूरा कैपिलरी का ये जाल है, ये पूरा जाल है, ऐसे। और इस जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये क्या है, कैपिलरी का बना हुआ जाल, ठीक है। अब ये देखो दूर जा रही है तो मैंने तरीका बताया था, क्या बोलेंगे सर, एफरेंट आर्टेरियोल बन गई। ये पास आ रही थी इसलिए एफरेंट, कोई चीज पास आए किसी के तो एफरेंट, कोई चीज दूर जाए तो एफरेंट। जल्दी बताओ सबसे पहले क्या निकला, एरोटा, महाधमनी इसको मान लिया, ठीक है। फिर बताओ उससे क्या निकला, इससे कई जगह सप्लाई होती है, हम किस जगह को टारगेट किए हैं, किडनी, हम किडनी को टारगेट कर रहे हैं। तो यहां से रीनल आर्टरी निकली, रीनल आर्टरी और पतली हो गई, तब हम उसे बोलने लगे एफरेंट आर्टेरियोल। अच्छा, एफरेंट आर्टेरियोल आगे चल के एक कैपिलरी का जाल बना दिया जो कि वोमेन कैप्सूल के अंदर बनाया, ठीक है ना। तो उस जाल का नाम ग्लोमेरुलस, इतना सुना होगा आपने। उसके बाद ये जो जाल है ये फिर से एक ये ट्यूब के रूप में बाहर निकला, इसे क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल। अब सुनना जरा, अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा, मैं इसको पूरा ना बना के ऐसे समझो मेरी बात। मैं इसको यहीं से घुमा देता हूं, ठीक है, ऐसे घुमा देता हूं, मानो ये ऐसा वैसा होता था, मानते समझने के लिए ऐसे कर रहे। अब यही वाली जो ट्यूब होती है जो आ रही थी, कौन सी ट्यूब आ रही थी, ये वाली ट्यूब, ये ट्यूब आ रही थी ना, ये ट्यूब आ रही थी, इसका नाम थोड़ा इधर उधर कर दें ताकि दिक्कत ना हो समझाने में।
इसका नाम ये है ना, ठीक। अब देखो जो ये वाली ट्यूब जो आ रही थी, ये ऐसे लिपट गई, लिपट के फिर ऐसी हो गई, और फिर लिपट के लिपट जाएगी आगे, फिर लिपट के कहीं ना कहीं तो खत्म होगी। तो जब लिपटी हुई है ना, जब लिपटी हुई है तो इसी जाल को बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर। और किसका जाल है? कैपिलरी नेटवर्क। अब समझ में आई? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क हो गया, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये जाल है पूरा, देखो इधर से आ रहा है। बताओ सबसे पहले हार्ट से क्या निकला, एरोटा से क्या निकला, रीनल आर्टरी से क्या बना, एफरेंट आर्टरियोन से क्या बना, ग्लोमेरुलस से क्या बना, डिफरेंट आर्टरियोन जब लिपट गया तब क्या बोलने लगे? आज के बाद बोलेंगे पीसीएन, शॉर्ट में बोलते पीसीएन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है पीसीएन। अच्छा अब देखो, जब ये लूप ऑफ एन ले रहा और ये क्या बन गया पैरेलल, तब इसी को क्या बोलने लगे? अभी ये पढ़ के आए हैं ना, वासा रेक्टा, किस शेप का, किसके पैरेलल? हाँ, लूप ऑफ एन ले के पैरेलल होगा। अच्छा अब मान लो ये लिपट के कभी ना कभी तो खत्म होगा ना भाई, जब नेफ्रॉन खत्म हो गया तो ये भी खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा? जब खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तब ये देखो, जब खत्म हो जाएगा तब ये खुलेगा कहां पे? तब ये खुलेगा यहां पे, तब ये खुलेगा यहां पे। इसका नाम हो जाएगा, अब देखो कलर बदल गया क्योंकि सारा ऑक्सीजन उसने ले लिया और CO2 उसको दे दिया है ना, तो यहां पे बन गया क्या, रीनल वेन, रीनल वेन में बदल गया। अब रीनल वेन यहां से चली, रीनल वेन यहां से चली, आप समझो जरा बात को, रीनल वेन यहां से चली, उधर से आ रही है यहां तक, दिख रहा है? रीनल वेन यहां से चली और चलते हुए चलते हुए चलते हुए वहां हार्ट तक पहुंची, और हार्ट तक पहुंचने के बाद ये एक मोटी सी वेन आ रही थी, मोटी सी वेन आती है, इसको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। नाम क्या है? महासिरा, ठीक है, ये जिसमें कैसा ब्लड होता है, जिसमें डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऑलरेडी आ रहा था। ये उसी में जाके खुल गई, उसी में जाके खुल गई, बोलो क्लियर, क्लियर है? अब आपको देखो पूरा सर्कुलेशन क्लियर हो गया, हार्ट ने कैसा ब्लड भेजा, कहां आया, एरोटा से कहां आया, रीनल आर्टरी से कहां आया, एफरेंट से कहां आया, ग्लोमेरुलस से कहां आया, इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से कहां गया, पीसीएन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा वासा रेक्टा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, किन में बनेगा, कॉर्टिकल वालों में कि जक्स्ट्रा मेडुलरी वालों में? अच्छा किन में नहीं बनेगा, है ना, फिर यहां से ब्लड इधर होते होते अब डीऑक्सीनेटेड हो गया, क्या बोलेंगे, रीनल वेन। रीनल वेन कहां चली गई, रीनल वेन कहां ओपन हो गई, वेना केवा में ओपन हो गई, रीनल वेन कहां ओपन हो गई, और यहां से फिर से ब्लड ये देखो आ गया, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया हार्ट का, हार्ट का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हमने हार्ट की जो रक्त किडनी की या नेफ्रॉन की जो रक्त पटाली थी वो पढ़ डाली, ठीक है ना। चलो छोटा कर देंगे, को दिखे नहीं, दिख रहा है ऐसे कर देंगे, अब कुछ चीजें क्लियर दिखाई पड़े, वासा रेक्टा दिख रहा है ऊपर, अब सही है, अब पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, पूरा कवर हो गया, तो आप देख पा रहे हो कितना सटीक चीज हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी।
और जितना भी चीजों का लेन देन होगा, मेरी बात समझिएगा, जितना भी चीजों का लेन देन होगा, कोई भी एक्सचेंज होगा वो इन्हीं के इनके बीच होगा, कोई भी एक्सचेंज होगा, किसी भी चीज का कोई लेन देन होगा तो इन्हीं के बीच एक्सचेंज होता है, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज होता है, मतलब इनके और इनके बीच में एक्सचेंज होता है, कहीं से भी एक्सचेंज हो सकता है, इनके और इनके बीच हो सकता है, ये कहीं भी यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, कहीं भी चीजों का एक्सचेंज यहीं से होगा। यहां क्या, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, जितनी भी चीजों का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबका एक्सचेंज इन्हीं दोनों के बीच होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नेफ्रॉन से कोई चीज निकलेगी तो कहां जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से कोई चीज निकलेगी तो कहां आएगी, नेफ्रॉन में, ध्यान देना इस बात को, नेफ्रॉन से कोई चीज निकलेगी तो कहां जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से कोई चीज निकलेगी तो कहां आएगी, ये बात समझ में आ गई, तो बस यही चीज समझनी थी, मतलब चीजों का लेन देन इन्हीं दोनों के बीच चलता रहता है, अभी जितना भी लेन देन आगे का चलेगा सब इन्हीं के बीच चलेगा। अच्छा कल ये बात क्लियर हुई थी ना, कौन सा वेना केवा, अपर वाला कि लोअर वाला, इंफीरियर वाला कि सुपीरियर वाला, हाँ तो ये बात कंफ्यूजन वाली बात हो तो कल वाली बात याद दिला दे रहे हैं। इंफीरियर क्यों, क्योंकि हार्ट है यहां, किडनी है नीचे, तो नीचे से कोई चीज लानी है तो इंफीरियर, और अगर ऊपर से लानी होती तो सुपीरियर। यानी पूरा सर्किट आपको क्लियर करा दिया, पूरा सर्किट। कोई भी चीज नेफ्रॉन से निकलेगी तो वो ब्लड में जाएगी, और कोई चीज ब्लड से निकलेगी तो नेफ्रॉन में जाएगी। यानी चीजों का आदान प्रदान किसके किसके बीच होता है, चीजों का आदान प्रदान किसके किसके बीच होता है बताओ, नेफ्रॉन और ब्लड कैपिलरी, नेफ्रॉन और ब्लड कैपिलरी के बीच में ही आदान प्रदान चीजों का होगा। एक तरफ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ से CO2 रिच ब्लड चला जा रहा है, एक तरफ से अच्छे पदार्थ भेजे जा रहे हैं और एक तरफ से कचरा लिया जा रहा है, सही है कि नहीं है।
अब आपको कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रह गई होगी, क्योंकि हमने पूरा हार्ट से लेकर के यहां तक का कनेक्शन बता दिया। ऐसा सभी ऑर्गन में होता है, ऐसा इसमें ही नहीं होता, सभी ऑर्गन का यही काम है। अगर मान लो मेरा लीवर होता तो पहले एरोटा से लीवर वाली आर्टरी निकलती, फिर लीवर में जाती, और फिर लीवर से फिर वेन निकलती, फिर वो वेन वापस आती और फिर हार्ट में चली जाती। सही है ना? ऐसा हर जगह अप्लाई होता है। कितनी बातें क्लियर हो गई? अगर ये इसके पैरेलल हुआ तो आशा रेक्टा बनेगा, लेकिन आपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखा था ये पैरेलल हुआ ही नहीं, ऐसे घुमा था, फोल्डेड था, तब वासा रेक्टा बन ही नहीं पाएगा। सही है ना? वासा रेक्टा किसके पैरेलल होता है? लूपा फैलने के। वासा रेक्टा किस शेप का होता है? हाँ, एयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम लूपा फैलने। ये यू शेप और ये जो होता है हेयर पिन लाइक। अब सवाल ये उठता है कि हमने पूरा किडनी के बारे में जानकारी ले ली, उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स थे उसकी सारी जानकारी हमको मिल गई, ये भी पता चला कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पता चल गया कि उनकी ब्लड सप्लाई का ऑर्डर क्या है, ये भी पता चल गया कौन सा एफरेंट है, कौन इफरेंट है, कौन ग्लोमेरुलस है, कौन फलाना है, कौन धमाका है, सब पता चल गया। ठीक है ना? सारी चीजें पता चल गई, और ये भी पता चल गया एक्सचेंज किसके किसके बीच होता है। ठीक है ना? अब होता क्या, एक मोटा मोटा आइडिया आपको बता देते हैं कि यूरिन तीन स्टेप्स में बनता है। कितने? यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में होता है? तीन। सुनो, पहला स्टेप, जब इधर से ब्लड आता है, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं, जब यहां से ब्लड आता है तो अच्छे पदार्थ लेके आता है, अच्छे पदार्थ, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, खाना पीना, ये वो सब तो यहां पे लेके आता है, और कचरा भी थोड़ा आ जाता है, कचरा भी आ जाता है। ठीक है? ये यहां पर क्या होता है, सबसे पहले इसका डायमीटर ज्यादा होता है, अभी बताएंगे, इसका डायमीटर कम होता है, कल बताया था, किसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर मोर है, यानी ये मोटी होती है, और इसका डायमीटर लेस होता है। कौन सी दोनों में मोटी है बताओ? यानी कुछ ऐसा सीन बनेगा, ये एक तरफ मोटी है और एक तरफ पतली है, बोलो। तो होता क्या है, इस तरफ मोटी है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, बोलो भाई, और इस तरफ पतली है तो फिर बताओ कम से कम ब्लड बाहर निकलेगा, तो सारा का सारा ब्लड यहां प्रेशर बनाएगा। कहां प्रेशर बनाएगा? एफरेंट पर, इफरेंट पर कि ग्लोमेरुलस पर। इसी प्रेशर के कारण ब्लड छनने लगेगा, ये छन गया, छन के यहां आ गया, यहां आ गया, कुछ आइडिया लगा? ये पहला स्टेप है, ये है पहला स्टेप, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। चूंकि यहां बहुत प्रेशर लग रहा है तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बताओ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम अल्ट्रा, मतलब ज्यादा होता है, और फिल्ट्रेशन मतलब उसी ज्यादा प्रेशर के कारण चीजें फिल्टर हो रही है, तो नाम पड़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बताओ पहले स्टेप का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है कि कम? प्रेशर क्यों ज्यादा है? एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर काफी कम है। अगर इधर का, अरे पिचकारी होती है, पिचकारी आगे कैसी नुकीली होती है ना, तो अगर नुकीली होती है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर ज्यादा तो दूर तक जाके धार गिरेगी कि यहीं पर गिर जाएगी, दूर तक धार गिरेगी, होती ही नहीं होती है, समझे? चलो देखो, सुनो, बर्नौली थ्योरम कहती है ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू, कहती नहीं कहती है? अरे हमको फिजिक्स भी आती है, सब आती है। ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू, जिधर का एरिया ज्यादा है उधर का प्रेशर कम होगा, उधर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी, ठीक है ना, अरे एरिया ज्यादा है तो इधर वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर कम तो वेलोसिटी भी तो कम। अच्छा जरा यहां देखो, यहां आपने एरिया कम कर दिया है,
अब वेलोसिटी इसको कवर करने के लिए बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, ये फार्मूला था ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू। जहां का एरिया ज्यादा वहां की वेलोसिटी कम, जहां का एरिया कम वहां की वेलोसिटी ज्यादा, यहां का एरिया कम है कि ज्यादा है तो वेलोसिटी, यहां का एरिया तो वेलोसिटी, तो ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू, सही है ना। वही तो यहां पे भी है, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, तो उसी प्रेशर के कारण यहां पे फिल्टर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, पहले स्टेप का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चलो हो गया क्लियर। अच्छा जब यहां से चीजें छनेंगी तो दो दो दिक्कतें हैं। हमें क्या छानना था? वेस्ट की इंपॉर्टेंट चीजें, कचरा छानना था, लेकिन यहां से तो ऑक्सीजन भी आ गई, यहां से खाना भी आ गया, यहां से सब पानी भी आ गया, यहां से मिनरल भी आ गए, यहां से हार्मोन भी आ गया, यहां से बहुत सारे विटामिन भी आ गए। अब बताओ क्यों आए? क्योंकि इनको इनको जरूरत थी इनकी, किनकी जरूरत थी? इनकी। लेकिन सब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितने आ गए, पूरे के पूरे आ गए। उन्हें उन इंपॉर्टेंट चीजों को वापस प्लेट में डालो, नहीं तो सुसु में बह जाएगा सब, सही है कि नहीं है? नहीं तो जो खाया पिया है वो सब सुसु में बह जाएगा, सब निकल जाएगा शरीर से। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लड में वापस भेजो। ब्लड में वापस देखो, ब्लड कहाँ पे है? बगल बगल पड़ोस में चल रहा है, बिल्कुल इसीलिए पड़ोस में है कि तुमने अगर मेरा इंपॉर्टेंट चीज ले लिया तो लौटाओ, ना मेरा तुम इंपॉर्टेंट चीज। अब चीजें कहां से निकलेंगी? अब यहां से निकल के यहां चली जाएंगी। बोलो, नेफ्रॉन से ब्लड में, नेफ्रॉन से पीसीएन में। बोलो कोई डाउट? इसको बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड चीजें आती हैं, कचरा नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट चीजें आएगी। वो भी कैसे आएगी? सेलेक्ट करके, कैसे ही सेलेक्टिव सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। री मतलब पुनः अवशोषित हो जाना, कहां पुनः अवशोषित हो गया? जहां से आया था वहीं चला गया, मतलब ब्लड से आया था ब्लड में वापस चला गया, क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन अधूरा वर्ड है, पूरा क्या नाम है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। चयनात्मक पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण हिंदी में बोलते हैं। अच्छा अब अभी एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है? ब्लड इतनी स्पीड में जा रहा था कि सारा कचरा यहां से छन नहीं पाया, अभी ब्लड में रह गया है वो। इस ब्लड जो ब्लड यहां से तैर रहा है ना, उसमें अभी कचरा कुछ बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीजें ले ली गई लेकिन कचरा अभी बचा हुआ है, कचरा बचा हुआ है यहां पे अभी भी, कुछ आयंस भी बचे रह गए क्योंकि बहुत स्पीड में ब्लड फ्लो कर रहा है, बहुत स्पीड में। आप बेसी बिलीव नहीं करोगे, पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड, 180 लीटर ब्लड छन जाता है। 180 लीटर, 180 लीटर क्या होता है? बहुत कम होता है क्या? पूरे दिन में 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड छन जाता है, समझ में आई बात? यानी कि 180 लीटर ब्लड छन रहा है तो स्पीड कितनी ज्यादा होगी, है ना? बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर चीजें जो रह गई है छनने से ब्लड में वो उनको वापस डालो नेफ्रॉन में, वरना कचरा ब्लड में रह गया तो देखो यहां से कुछ पदार्थ जो छनने से रह गए उनको वापस इस तरफ भेज दिया जाता है। अब एरो उल्टा है, देखो पहले नेफ्रॉन से ब्लड में गया था, वो सेकेंड प्रोसेस थी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब यहां से चीजें यहां चली गई, यानी फ्रॉम ब्लड टू, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? ये भी सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये सेलेक्टिव ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। अगर सेलेक्टिव होती तो केवल कचरा आता, इंपॉर्टेंट नहीं आ जाता। दिस इज सेलेक्टिव प्रोसेस की नॉन सेलेक्टिव। ये समझो कितने स्टेप हो गए, फिर यहां पर फाइनली यूरिन बन जाएगा। समझ में आया? आइडिया लगा? कंफर्म है? इस चीज को हम लोग नोट भी कर लें। देखो एक फिगर है बहुत अच्छा इसके मेरे पास, ब्लड कहां से आया? ब्लड कहां से आया?
एफरेंट आर्टेरियोल से। डायमीटर ज्यादा है कि कम? इसका देखो थोड़ा सा कम है, उन्होंने 19-20 करके दिखाया है, फिर भी इसका देखो ज्यादा मोटा है, इसका पतला है कि नहीं है? अब यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, उसी प्रेशर के कारण ब्लड छन के चलाया। ये हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का पूरा नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ में आई कि नहीं? अब उसके बाद क्या हुआ, जब ब्लड यहां पर चला आया तो इंपॉर्टेंट चीजों को वापस भेजना था, इंपॉर्टेंट चीजों को वापस भेजना था, तो हमने क्या नाम दिया, सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड का नाम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, तीसरा था जो कचरा रह गया था उसको वापस भेजो, उसे बोलते थे सेलेक्टिव सिक्रीशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद बताओ यहां पे एक चौथा स्टेप हो जाएगा, चौथा स्टेप है एस्क्रीशन। बोलो क्लियर है, एस्क्रीशन। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ, इसी को ड्रॉ करा देते हैं आपको ताकि चीजें क्लियर रहे। अब देखो यहां से ब्लड आया था, इसका नाम क्या था, एफरेंट आर्टेरियोल, समझ गया ना। ये क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये क्या था, एफरेंट आर्टेरियोल। बोलो क्लियर। और ये क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। बोलो सही है। अब देखो चीजें यहां से यहां जब छन के आई थी तब हम उसे क्या कहते थे, ये था पहली प्रोसेस। पहली प्रोसेस का नाम बताओ, कितनी स्टेप होते हैं, तीन स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहां से यहां इंपॉर्टेंट चीजें चली जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें यहां से यहां चली जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस का क्या नाम है, सेकंड प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां कचरा भी रह गया है,
कचरा वापस भेजना है, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप कौन सी होती है? वो भी सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव सिक्रीशन, सेलेक्टिव सिक्रीशन, ठीक है ना। इसका इसका टारगेट था इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को लाना, इसका टारगेट था वेस्ट और कुछ आयंस को, वेस्ट और आयंस को वापस ले जाना, ठीक है ना, वेस्ट और आयंस को वापस ले जाना। तो तीन प्रोसेस है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक बात यहीं पे बता दें जो पूछी जाती है, ये कैसी प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव की सेलेक्टिव? तभी नाम में सिलेक्टिव नहीं लिखा। ये दोनों कैसी हैं? सिलेक्टिव। अच्छा, ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ये पता, ये दोनों दोनों चलती है, एक्टिव भी है और पैसिव भी है। कुछ चीजें यहां एक्टिवली जाएंगी, कुछ चीजें पैसिवली जाएंगी। अच्छा, ये केवल और केवल ओनली एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। ये देखो पैसिव, ये एक्टिव, और ये दोनों, वो केवल पैसिव थी, ये वाली केवल एक्टिव है, और ये दोनों तरीके से हो सकती है। पहली नॉन सेलेक्टिव थी, ये दोनों सेलेक्टिव है। आइडिया लग गया? अब जाके बताओ यहां पे आखिरी स्टेप हो जाएगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यानी जो ब्लड आ रहा था पहले वो छना, जब छना तो हमने उसे नाम दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसी प्रोसेस है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसी प्रोसेस है बताओ? जहां से तीन चार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप क्लियर हो गए, ये भी पता चल गया किसमें एनर्जी खर्च होगी किसमें नहीं होगी, और ये भी पता चल गया कि लेन देन किसके बीच हो रहा था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और नेफ्रॉन्स के बीच में हो रहा था ना। ये क्या है? ये नेफ्रॉन था, ये नेफ्रॉन है, आपको पता ही है नेफ्रॉन। पूरे दिन में ये कितना फिल्टर करता है? 180 लीटर है ना, मैं लिखता हूं यहां, एक सौ अस्सी लीटर फिल्ट्रेट बनता है, इसको यूरिन नहीं कहेंगे, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बनता है पूरे दिन में, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन लेकिन क्या हम 180 लीटर यूरिन निकालते हैं? 180 लीटर निकाले होते तो एक पाइपलाइन लगी होती अभी यहीं से, या तो डायपर पहन के आए होते, वो भी हर मिनट वो भी हर आधे घंटे बदलना होता। सर कहां जा रहे हैं डायपर बदलने, कोई काम नहीं कर पाते, वही कह रहे हैं ना, पांच छह लेके आते तब जाके क्लास मेरी एक क्लास हो पाती, और आपकी तीनों क्लास होनी है, आपकी तीनों, नहीं अर्थ का जो होता होता, पानी कितना पीते, एक तरफ मुंह में पाइपलाइन, नीचे से एक तरफ निकालने के लिए पाइपलाइन,
तो पूरे दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन लेकिन केवल केवल ध्यान से सुनो जो बात बोल रहे हैं, 0.8% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है, 0.8% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होता है, दैट इज 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर यूरिन होता है पर डे। कितना यूरिन पर डे निकालते हैं? 1.5 लीटर यूरिन पर डे। इसका मतलब बाकी का 99.2% कहां चला गया? बाकी का 99.2% यहां वापस आ गया। ये देखो, ये वापस आ रहा है, 99.2% वापस पीसीएन में चला जाता है। बोलो, पीसीएन में क्या भरा हुआ है? ब्लड। ये देखो, मैंने लिख दिया ब्लड में चला जाता है, पीसीएन में वापस चला नहीं जाता है, सही वर्ड यूज करो, वापस पीसीएन में, वापस पीसीएन में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? रीअब्सॉर्ब, इसीलिए इसको बोला है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। That is selective reabsorption। तो यहां एक बात और स्पष्ट हो गई कि कितना परसेंट फिल्ट्रेट वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कितना परसेंट होता है? 99% के करीब, लगभग लगभग 99। लगभग 99% क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब। लगभग 99% क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब। यानी यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप होते हैं, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा होता है सिलेक्टिव सिक्रीशन। पूरे दिन में कितना फिल्ट्रेट यहां से निकलता है? 180 लीटर। लेकिन वो क्या 180 लीटर यूरिन में बदल जाता है? यहां से 180 लीटर निकला, लेकिन यहां से 1.5 लीटर निकलेगा यूरिन, कितना? 1.5 लीटर निकलेगा। तो दे बाकी का कहां चला गया? यहां चला गया, यहां चला गया। कितना चला गया? 99% के करीब, 99% के करीब चीजें वापस चली जाती हैं। इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। आप एनसीईआरटी से नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में इतना क्लैरिफाई नहीं किया है।
इतनी बातें क्लियर हो गई। हो गया। देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने क्या कहा है इस बात पे, देखो इस तीन स्टेप में होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। और कह रहे हैं पहले स्टेप को, भैया क्लास चल रही है अभी, पहला स्टेप जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इस प्रोसेस के दौरान 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन जाता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो इन अगर हम कंपेयर करें 180 लीटर को तो यूरिन से, तो यूरिन के केवल कितना बनता है, अच्छा इसका मतलब 99% से भी ज्यादा चीजें या फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला था, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है ना, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो कल ये आगे पढ़ेंगे कि कितना चीजें कहां पे रीअब्सॉर्ब हुई, किस तरीके से हुई, कल डिटेल में चलेंगे। आज मैंने सिर्फ ब्रीफ करा दिया पूरा, क्योंकि बेसिक बताना बहुत जरूरी था। आपकी एनसीईआरटी में एक एक चीज क्लियर हो गई है। कल हम लोग यहां से करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप, क्लियर हो गए, आइडिया भी लग गया। कल सीधे हेडिंग डालेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और फिर आगे का करेंगे, राइट।